चलो बच्चों, लिमिट हमने इस बैच में सभी कॉन्सेप्ट लगभग कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग को क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ देखेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, निमसेट ओग्रा बैचू जेनू सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो सारे जो है अभी तक जितने भी क्लासेस आपको लिए हैं, ठीक है, बैच फर्स्ट में, तो जो भी बच्चे नोट किए उसको रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, तो आज चेक करते हैं कि कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। जो भी क्वेश्चन है बहुत कॉन्सेप्ट है, और एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा बच्चों आपको। ठीक है, उसी इंटरवल में, लिमिटेड टाइम के इंटरवल में ही आपको क्वेश्चन को क्या करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का एक ट्रिक होगा, जो शॉर्टकट ट्रिक होगा, ठीक है, उसको बच्चे पहचानने की कोशिश करो। ठीक है, अगर प्रैक्टिस किए हो अच्छे से, जो क्लास पूरे लेक्चर को अगर आपने अटेंड किया, अच्छे से क्लासेस किए, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर जाओगे। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लगभग सभी बच्चे आ गए हैं, जल्दी करो बच्चे, कुछ बच्चे और रह गए, जल्दी करो। तो चेक करते हैं, देखें कैसे तुम लोग की तैयारी है, कितने क्वेश्चन बच्चे तैयार किए। अच्छे से अगर तैयारी, तो ये सब क्वेश्चन जो है आप जो है सॉल्व कर जाओगे कम समय में। ठीक है, क्योंकि लिमिट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाना। ठीक है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वन बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन पे यस एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान देना बच्चों, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो। ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है निमसेट में बच्चों, ये क्वेश्चन निमसेट में आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। ध्यान देना बच्चों, लिमिटेड वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमको क्या मिला है बच्चों, जीरो मिला हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। देखो पावर इसमें हमने शॉर्टकट बच्चों आपको बताया था कि अगर एक्स के पावर, अगर एक्स के पावर वन हो जाए, ठीक है, टू हो जाए, थ्री हो जाए, फोर हो जाए, तो हमेशा इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। पढ़ाते समय हमने बताया था एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर फोर करके बताया था। ठीक है, और यहाँ पे एक्स नहीं भी था, एक्स के पावर जीरो पे भी हमने इसको क्वेश्चन कराया था। तो ये क्वेश्चन जो है एक्स साइन वन बाई एक्स है, एक्स के पावर वन है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव आपको याद होगा तो अभी तक आंसर आ गया होगा बच्चों का। ठीक है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव बताया था आप लोग को, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से अगर आप लोगों ने उस समय प्रैक्टिस किया होगा, तो ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आने भी लगा आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव अगर यहाँ पे देखोगे, पावर बच्चों वन है, ऐसे कैसे लगाया जाता है इसको मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव, सिर्फ पावर अगर वन है, ठीक है, तो इसका लिमिट क्या करेगा बच्चों, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ये वो भी किसके इसके बराबर, ये लिमिट जो है किसके बराबर हो जाएगा, एग्जिस्ट भी करेगा, और किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। डायरेक्ट जो है देखोगे पावर वन है, अगर यहाँ बच्चों एक्स है, अगर एक्स स्क्वायर के पावर टू है, तभी रिजल्ट हमारा सी ही आएगा। एक्स के पावर क्यूब है बच्चों, तभी रिजल्ट हमारा सही आएगा। ठीक है, तो ऐसे कैसे आता है क्वेश्चन, इसको हम लोग, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको कैसे लगाना है, पावर अगर वन है तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या मारो, सी। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट आपका सी हो जाएगा, लेकिन अगर इसको लगाना चाहते हैं तो बच्चे हम लोग कैसे लगाएंगे, अब इसको चेक कर लेते हैं। साइन वन बाई एक्स, साइन वन बाई एक्स अपान वन बाई एक्स। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको बच्चों, इसको हमने दिया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, साइन को ये रिजल्ट किया है, साइन क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, और यहाँ बच्चों क्या मिलने लगेगा, नीचे भी क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलने लगेगा। अब साइन जो है यहाँ पे जीरो है बच्चों, साइन जो है कहाँ से कहाँ वैल्यू को, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, मिनिमम वैल्यू माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू वन। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, जीरो। ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, इसको इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। अगर इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखना, डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए कम समय में लगाना क्वेश्चन, तो सिर्फ पावर अगर वन है, या पावर टू है, पावर थ्री है, जो भी है, वन से बड़ा है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है डायरेक्ट हम लोग क्या हम लगा देंगे, सी लगा देंगे। तो इसको बच्चे नोट कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है बच्चे, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे इसको,
थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ बच्चों ए बी है, यहाँ ए बी अपॉन टू है, ठीक है, यहाँ ए बी अपॉन टू है, ध्यान देना बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन ए एन, ये क्या है बच्चों, बी है, ठीक है, होल पावर कितना, इतना अपान कितना, टू, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लगाते समय स्टूडेंट ये ध्यान देगा कि अगर यहाँ पे इनफाइनाइट बच्चों अगर रखना है, पहले तो इसको फॉर्म सही कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का फॉर्म, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए के पावर वन बाई एन प्लस बी के पावर वन बाई एन, ठीक है बच्चों, अपॉन टू के होल पावर कितना, एन, ठीक है। अगर यहाँ इन्फानाइट रखेंगे वन अपॉन इन्फानाइट, यहाँ भी वन अपॉन इन्फानाइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ए के पावर जीरो प्लस बी के पावर जीरो, कट के क्या मिलेगा, वन। ये हमारा फॉर्म कौन सा मिलने लगा, वन के पावर इन्फानाइट, ध्यान देना बच्चों, ये वन के पावर इन्फानाइट का फॉर्म है। तो लेकिन यहाँ वन के पावर इन्फानाइट के फॉर्म में हमने क्या बताया था, अगर ऐसा फॉर्म आता है बच्चों तो क्या हो जाता है हम लोग का, वन प्लस एफ एक्स फार्मूला सभी बच्चों को याद होगा, थोड़ा सा बेसिक पे चले जाते हैं, ठीक है, वन अपान क्या बच्चों, जी एक्स, ठीक है, और लिमिट कितना, एक्स टेंस टू अगर ए है, अगर वन के पावर इन्फानाइट है बच्चों तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और क्या हो जाता है ये जी एक्स, जो भी वैल्यू यहाँ रहता है इसका मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, ठीक है, इस तरीके से करते ये, लेकिन हमको वन चाहिए, वन नहीं है हमारा, तो इसमें बच्चों क्या कर देते हैं लिमिट में, वन जो है एन टेंस टू इन्फानाइट, वन जो है ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पे वन माइनस भी करेंगे तो डायरेक्ट जो है माइनस करोगे बच्चों, ए माइनस वन और प्लस बी के पावर वन बाई एन माइनस वन अपान कितना बच्चों, एक्स एन टू, ठीक है, होल का पावर कितना, एन, ठीक है। अब ये लिमिट जो है हमारा ऊपर चला गया, ये लिमिट चला जाएगा ई के पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट, बच्चों वन बाई टू बाहर आ जाएगा सबसे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के पावर वन बाई एन माइनस वन अपान कितना बच्चों, वन बाई एन, यहाँ एन होगा तो इसको वन बाई एन लिखेंगे, अब यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, वन बाई एन बी के पावर माइनस वन, वन अपान वन बाई एन, ठीक है बच्चों। अब इसको इस तरीके से कर लिए, अब जो है बच्चों इसका लिमिट सभी बच्चों को याद है, इसका लिमिट क्या होता है, ये फॉर्म हमको याद है फार्मूला, ठीक है, इसका लिमिट क्या होता है, लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, लिमिट, लिमिट जो है ई के पावर लिमिट, यहाँ वन बाई टू बाहर हो जाएगा बच्चों, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये हो जाएगा लॉग ए, ब्रैकेट में लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, वन बाई टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ए, इसको हम लोगों ने लिखा लॉग ए बी, लॉग ए बी, इसको पावर ले लिया बच्चों, लॉग ए बी, लॉग ए बी के होल पावर वन बाई टू, ये बेस सेम है बच्चों, अगर बेस सेम रहता है तो हमने बताया था, अगर बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है और यहाँ पे वन है, तो डायरेक्ट रिजल्ट लॉग की प्रॉपर्टी से हट जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के पावर कितना, वन बाई टू, ठीक है, ए बी के पावर वन बाई टू, इसलिए हम लोग का कौन सा रिजल्ट आ गया बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन हम लोग क्या हो गया, करेक्ट, ठीक है। तो इसको बच्चे जो है नोट कर लें अच्छे से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बच्चों क्वाड्रेटिक को लिया हुआ है क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो बच्चों इसमें क्वाड्रेटिक का यूज किया गया है, जो भी बेसिक से बच्चे इसको देखेंगे थोड़ा सा जो है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग के पास, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर इसका रूट्स अल्फा और बीटा है बच्चों, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, तो इसको जो है अगर इसको हमने एफ एक्स लेट कर लिया, तो एफ अल्फा रूट्स अपने पॉलिनोमियल को क्या करता है बच्चों, सेटिस्फाई करेगा, और यह बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है,
अगर रूट्स मालूम है तो तुमको इक्वेशन अगर बच्चों फाइंड करना है तो इसको में, अगर रूट्स किसी भी पॉलिनोमियल का रूट्स मालूम है तो इक्वेशन फाइंड करना है x माइनस अल्फा और क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस बीटा। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं बच्चों, इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा कि इसमें देख लो ये जो है ये माइनस पाई या प्लस पाई, ठीक है, ये जीरो के बराबर है। ये इफ एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, इफ एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट एफ माइनस पाई और पाई इक्वल टू क्या जीरो, मतलब पाई माइनस पाई और पाई ये दोनों क्या हो गए पॉलिनोमियल के, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए बच्चों, रूट्स हो गए। रूट्स अपने जो है क्वाड्रेटिक को हमेशा सेटिस्फाई करेगा बच्चों, ठीक है, तो इसके रूट्स हो गए, तो इसके रूट्स ए हो गए। तो बच्चों इसको क्वाड्रेटिक में अगर इक्वेशन वो क्या होगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x प्लस पाई और बच्चों क्या हो जाएगा x माइनस पाई, ये इसका इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर इक्वेशन इसको हमको मालूम हो गया तो एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, अगर इस वैल्यू को पुटअप करोगे तो इतना ही आएगा, पाई बाई टू रख के चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन अगर बच्चों अगर हम लोग करेंगे 2x मिलेगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे, कांस्टेंट का क्या हो गया बच्चों जीरो। ठीक है, तो बच्चे अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कांस्टेंट का क्या हो गया जीरो हो गया। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर पाई रखोगे माइनस पाई रखोगे या नीचे भी पाई रखोगे तो ये फॉर्म हमको जीरो अपान जीरो मिलने लगेगा, जीरो अपान जीरो फॉर्म। ठीक है, रियल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं बच्चों, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर कर देते हैं और नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। तो इसको हम लोगों ने देखा इसको फॉर्म को, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस पाई ये क्या हो जाएगा बच्चों एफ प्राइम एक्स अपान, ये क्या हो जाएगा कॉस साइन एक्स और क्या हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स। ठीक है, एफ प्राइम एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो, एफ प्राइम एक्स की वैल्यू हमको मालूम है माइनस पाई, ये वैल्यू जो है यहाँ पे बच्चे रख देते हैं क्या मिल जाता है 2x अपान कितना बच्चों कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स और क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं बच्चों, वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा माइनस टू पाई। ठीक है, साइन पाई का मान जीरो, कॉस जीरो वन हो जाएगा, कॉस पाई का मान माइनस पाई का मान बच्चों क्या हो जाएगा ये माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या हो गया कैंसिल, फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला बच्चों पाई। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बच्चों यूज किया गया है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो गया एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस लिमिट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स का जो कंसेप्ट है बच्चों इसका यूज किया गया है, इसलिए जिन बच्चों को ये जो है नहीं आएगा क्वेश्चन को लिमिट को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो बच्चे हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो गया बी, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट में ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगेन जो यूज कर दिया है हम लोग को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसमें रूट यूज किया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग इसको ये जो है इसको ब्रेक कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो वन माइनस अभी पीछे बताए थे कॉन्सेप्ट ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा अपान क्या हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा। ठीक है, अब यहाँ बच्चों ध्यान देना, ये फॉर्म हमने बताया था आपको वन माइनस कॉस एक्स अपान एक्स स्क्वायर और बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये लिमिट किसके बराबर होता है वन बाई टू, ये वन बाई टू के इक्वल होता है बच्चों। तो सेम इसका ही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज करना है, सिमेट्री रूल लगाना है, जीरो अपान जीरो फॉर्म दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए स्क्वायर हमको चाहिए, तो यहाँ पे हमने बच्चे ए स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे x माइनस बीटा है तो बच्चों यहाँ पे x माइनस बीटा और यहाँ पे भी बच्चों जो है x माइनस बीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम लोग जिससे कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा हम लोग का x माइनस बीटा। ठीक है,
का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कर लो बच्चों। अब ये सिमेट्री रूल जो है बन गया, ये सिमेट्री रूल बनने के लिए तैयार हो गया। ये जो हम फॉर्म देख रहे हैं बच्चों, ये जो देख रहे हैं, ये सिमेट्री रूल लगाए, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म भी है, और सिमेट्री रूल से इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो है हमको क्या मिलने वाला है, वन बाई टू। ठीक है बच्चों, 1/2। तो अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा, अल्फा अल्फा ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपान कितना, 2। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग रख देते हैं, अल्फा रख दो जो है रिजल्ट आ जाएगा। ये हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिला, ए स्क्वायर एक्स माइनस, सॉरी अभी एक्स माइनस हट जाएगा यहाँ से, यहाँ बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अपान 2। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो गया बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट। इस पे बच्चे लगा लेंगे जो सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। चलो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें क्वेश्चन में। अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, जल्दी करो बच्चों। क्वेश्चन है छोटा, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, जीरो प्लस यहाँ दिया हुआ है बच्चों, जीरो प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस साइन रूट एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। सिमेट्री रूल का बच्चों यूज करो, क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग देख रहे हैं बच्चे, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रहा है, जीरो अपॉन जीरो। अब यहाँ पे क्या किए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ए साइन रूट एक्स, बच्चों साइन रूट एक्स अपान अपान रूट एक्स, और इसको क्या किए बच्चों, रूट साइन एक्स अपान एक्स। देखो ये रूट एक्स से और ये रूट एक्स बच्चों कट जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये लिमिट हमारी क्या मिलेगी, ये लिमिट वन, और ये भी लिमिट क्या मिली बच्चों, वन। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला, आंसर वन। ठीक है, तो ये बहुत ही, जितने क्वेश्चंस बच्चे कराए हैं अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने इसका क्वेश्चन दिया भी, बहुत सारे बच्चों ने, कुछ बच्चों का आंसर नहीं गलत आया। ठीक है, जिन बच्चों को गलत आंसर आया इसको सुधार कर लें। ठीक है, और इसको टॉपिक, जिन बच्चों को अभी भी क्वेश्चंस नहीं आ पा रहा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो हमने आपको सॉल्व कराए हैं क्लास लेते समय जो क्वेश्चंस लगवाए हैं, ठीक है, फर्स्ट बैच में, तो वो सारे बच्चे जो है उसको क्वेश्चन को कॉपी पर जो नोट किए रिवाइज करो बार बार। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन कम समय में लगना स्टार्ट हो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप खुद जो है एक अच्छा कॉन्सेप्ट निकालोगे जिससे कम समय में क्वेश्चन को क्या कर सकें, लगा सकें। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज इतना रहेगा, थैंक यू, आज के इतने ही क्लासेस रहेंगे बच्चों।